नमस्ते दोस्तों, सीईटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी निकल चुका है। तो आप सभी कैप प्रोसेस के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, तो चलिए इस वीडियो में जानकारी पाते हैं कैप प्रोसेस ऑफ सीईटी, दैट इज़ द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस ऑफ द सीईटी। कैप प्रोसेस में चार अलॉटमेंट लिस्ट होते हैं, जिसमें से तीन लिस्ट ऑनलाइन होंगे और चौथी लिस्ट और जो फाइनल लिस्ट होगी वो ऑफलाइन होगी। ऑनलाइन लिस्ट आपने जैसे FYJC का डॉक्यूमेंट भरा है, FYJC 11वीं की लिस्ट, जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में आपको कॉलेजेस के प्रेफरेंस भरने होते हैं, अलॉटमेंट ऑर्डर सेट करनी होती है, उसी तरह से ये तीनों लिस्ट होती है, जिसमें फर्स्ट और थर्ड लिस्ट में आप कॉलेजेस के प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं और अलोकेशन ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये कैप प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। इसमें से यानी कि आपका कॉलेज जो है वो 1 अक्टूबर, मतलब 1st वीक ऑफ अक्टूबर तक चालू हो जाएगा, जिसका मतलब है 1st वीक ऑफ अक्टूबर तक आपको पूरी तरह से एडमिशन मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन जो होता है, जो बिल्कुल 11th स्टैंडर्ड की तरह होता है, उसमें आपको एक फॉर्म भरना होता है, जिस फॉर्म में एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, आपको आपका सिग्नेचर स्कैन करके कंप्यूटर में डालना पड़ेगा और आपका जो फोटो होता है वो स्कैन करके कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, और सीईटी की वेबसाइट पे जो एडमिशन प्रोसेस चालू होगा तभी वो फोटो अपलोड करने पड़ेंगे। फोटोज़ अपलोड होने के बाद आपको एक एडमिशन फ़ी देना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फ़ी भरना पड़ेगा जो कि हर साल चेंज होता रहता है, बट अराउंड 500 रुपीज़ वो अलोकेशन फ़ी होता है। फ़ी भरने के बाद आप फर्स्ट राउंड फिल कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आप कितने भी कॉलेज भर सकते हैं, या कोई भी राउंड में आप कितने भी कॉलेज भर सकते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से वो कॉलेजेस का जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है वो सेट कर सकते हैं, जिसके बाद आपको सेकेंड लिस्ट के लिए लगभग 15 से 20 दिन वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट लिस्ट का जो रिज़ल्ट होता है वो लगभग 10 से 12 दिन बाद निकलता है, जिसके 3 दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद सेकेंड लिस्ट निकलता है। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में आपका मनचाहा कॉलेज मिल गया है तो आप उस कॉलेज में जाके आपका एडमिशन फ्रीज या फिर फ्लोट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रीज का मतलब होगा कि आपका एडमिशन सिक्योर करना, या फिर फ्लोट का मतलब होगा कि सेकेंड लिस्ट में या फिर थर्ड लिस्ट में जाने के लिए आप फ्लोटिंग फी भरना पड़ता है कॉलेज को, जो कि अराउंड 2 से 3 हज़ार रुपये फ्लोटिंग फी होता है। हालांकि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपको थर्ड लिस्ट में या फिर सेकेंड लिस्ट में आपको मनचाहा कॉलेज मिल गया तो फ्लोटिंग फी कॉलेज वापस देता है, सिर्फ 1000 रुपीज़ अपने लिए रख लेता है। इसके बाद 2 से 3 दिन बाद सेकेंड राउंड ऑफ अलोकेशन चालू होता है। हालांकि आप लोग इस राउंड में एप्लीकेशंस का जो अलोकेशन ऑर्डर होता है, कॉलेजेस का जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, वो एडिट नहीं कर सकते, जिसका मतलब होगा कि फर्स्ट राउंड में आपने जो जो कॉलेज डाले हैं वही आपको कायम रखने पड़ेंगे। पर यह भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से फिर से कॉलेजेस को एडिट करना है तो आप थर्ड राउंड में या फिर फोर्थ राउंड में एडिट कर सकते हैं। फिर से 15 से 20 दिन बाद थर्ड राउंड चालू होगा। थर्ड राउंड में आपको फिर से, जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड में एलोकेशन ऑर्डर भरी थी, प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कॉलेज सेट कर सकते हैं, ऑप्शंस एडिट कर सकते हैं, और थर्ड लिस्ट में नाम आने के बाद आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी मनचाहा कॉलेज नहीं मिला है तो आपके लिए फोर्थ लिस्ट ऑफ एलोकेशन होती है, जो बिल्कुल ऑफलाइन ऑफलाइन एडमिशन, दैट इज कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स ले जाके आपको एडमिशन लेना होता है। डॉक्यूमेंट्स वही स्टैंडर्ड लिस्ट होती है। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप याद रखिए, आपको सीईटी का स्कोर कार्ड लगेगा, सीईटी की मार्कशीट लगेगी, आपके 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी। ध्यान दीजिए, कुछ कॉलेज 11th की मार्कशीट के बारे में भी पूछ सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को किसी वकील से अटेस्ट करके या फिर ट्रू कॉपी का स्टैंप लगा के कॉलेज में देना पड़ता है। तो एडमिशन प्रोसेस के दौरान आप एक चीज़ ध्यान में रखिए,
आपका जो फोटो होगा वो व्हाइट शर्ट पे होना चाहिए और बैकग्राउंड कोई भी चल सकता है। आपका सिग्नेचर अच्छे से स्कैन होना चाहिए और जो अपलोड करने का जो साइज होता है वो कम से कम 20 KB, 20 KB, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि CET के साइट पे वो अपलोड नहीं होता। तो आप उसको पेंट में या फिर विंडोज़ के एडिटर में एडिट करके 20 KB तक ला सकते हैं।